एक बहुत मजबूत परिवार है। आज उस परिवार के प्रांगण में हम सबके मुखिया ठाकुर आनंद सिंह जी और आदरणीय डॉक्टर जन्म सिंह जी और बहुत ही सम्मानित मंच, क्योंकि हमारी चौबीसी के और आसपास के सभी विक्रम प्रधान जी बहुत दूर से आए, श्यामवीर सैनी जी, विनोद राणा जी और सभी सुनील प्रधान जी जो हमारे यहाँ के जिला पंचायत के सदस्य हैं, ये वो सब लोग बैठे हैं। सरधना विधानसभा के खेड़ा गांव में जहां क्षत्रिय समाज की महापंचायत हुई थी, आज उसी से चंद किलोमीटर की दूरी पर शहीद ग्राम बांबोरी में क्षत्रिय समाज की एक पंचायत का आयोजन किया गया है। ये पंचायत भाजपा के सपोर्ट में की गई है। खास बात यह है कि इसमें समाज के काफी जिम्मेदार लोग शामिल हुए हैं। पूर्व जिला पंचायत सदस्य आनंद सिंह भामोरी के आवास पर बंगले पर यह पंचायत का आयोजन किया गया है। कई निर्णय यहाँ लिए गए हैं, तमाम चर्चा हुई है, बात करेंगे सभी जिम्मेदारों से। पहले बात करेंगे आनंद सिंह भामोरी से। पंचायत हुई है, क्या कुछ निर्णय लिया गया है? पंचायत जो कल पंचायत हुई थी कल खेड़ा में, उसमें हजारों की तादाद में लोग थे, यहाँ भी हजारों की तादाद में लोग थे। वहां निर्णय कुछ और हिसाब का था, यहाँ निर्णय कुछ और हिसाब का था। क्या निर्णय लिया गया? यहाँ निर्णय लिया गया है कि हमें तो योगी को और मोदी के हाथ मजबूत करने हैं। ये अब संजीव बालियान का चुनाव नहीं है, ये चुनाव जो है मोदी का चुनाव है, जो देश की बागडोर थमेगा, देश पे जिसे विश्वास है ये उसका चुनाव है, ये बालियान जी का चुनाव नहीं है। कितने गांव के जिम्मेदार क्षत्रिय समाज से यहाँ पहुंचे? यहाँ 36 बिरादरियों के, मेरे ख्याल से तो 4,500 गांव ना हो, 4,500 गांव के प्रति वो ना हो यहाँ जिम्मेदार लोग। पिछले कई घंटे से ये पंचायत चल रही थी, क्योंकि 5 बज चुके हैं, चुनावी प्रचार का समय पूरा हो चुका है, इसलिए 5 बजते ही इस पंचायत का समापन करना पड़ा। ठाकुर प्रतीश जी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे क्या महत्वपूर्ण मुख्य मुख्य बातें चर्चा में आई हैं। आज भमोरी में बहुत ऐतिहासिक पंचायत हुई है। जो कल खेड़ा में पंचायत हुई थी उसमें बाहर के लोग थे, चौबीसी के लोग बहुत कम थे। आज यहाँ इस पंचायत में चौबीसी के हर गांव का लोग थे, हर प्रतिनिधि थे। इसके साथ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें आसपास के गांव के जो अन्य बिरादरी के लोग हैं, छत्तीस बिरादरी के, वो भी थे। और ये तय किया गया कि जो 10 साल में कहाँ काम विकास कराया है संजीव बालियान ने, जैसे यूनिवर्सिटी है और जो अन्य काम कराए हैं, उसके बदले में जो मोदी ने एक राष्ट्रवाद का नारा दिया, उस राष्ट्रवाद के नारे पर हमें मोदी को सपोर्ट करना है। योगी आदित्यनाथ जी आए थे राजधाना में, उन्होंने चौबीसी से वोट मांगी और ये कहा कि आप वोट दो मैं फिर आऊँगा। तो योगी हमारे आदर्श हैं, भगवान की तरह हैं, उन्हें गोरखनाथ रूप में पूजते भी हैं। हम उनके नाम पर एक एक वोट क्षत्रिय देने का काम करेगा और संजीव बालियान को जिताने का काम करेगा, तय कर लिया। जो कल की पंचायत थी उसमें केवल 10 या 5% लोग होंगे चौबीसी के, और आज यहाँ 1% भी आदमी बाहर का नहीं है, हम सब चौबीसी के लोग हैं, हम तय करेंगे। और जितने लोग आए थे, अगर एक एक आदमी ने 100-100, 200-200 वोट डलवाई तो 25,000 से 30,000 वोट डालने का काम करेंगे, 90% वोट मिलेगी। लाड़धना में सीएम साहब आए थे, अपील की थी क्षत्रिय समाज से, उसका असर कितना देखने को मिल रहा है? देखिए, आज जो हमारी पंचायत है, इससे पहले सलाहो पंचायत थी, अब यह भमोरी पंचायत है, 100% ये असर गया है आज की बैठक का। और मैं तो एक बात कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जात पे ना बात पे बटन दबेगा योगी जी की बात पे, कमल का फूल जिताना है, बाल्यान जी को जिताना है, क्षत्रिय समाज 100% एक नाके में मुस्त होकर वोट करेगा। जय हिंद, जय भारत। पाली ग्राम प्रधान राजकुमार सोम, जय कुमार सोम। हाँ जी, क्या निर्णय लिया गया है? आप किस दिशा में जा रहे हैं? हम तो दिशा में कमल के फूल की गैली हैं, योगी आदित्यनाथ की साथ हैं जी, और राठधना में यहाँ आए थे, उन्होंने कहा मेरा प्रतिनिधि बन के घर घर को जाना और मैं वोट मांगना, और हम संजीव बालियान को जिताने का काम करेंगे, योगी आदित्यनाथ जी का हाथ मजबूत करेंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। जाति को लेकर जो नाराजगी आ रही है सामने, छुटपुट पंचायत या महापंचायत हो रही है, कितना सहमत है? नहीं, जाति के एक ये जो राजनीति है, एक जाति या एक कुटुंब से नहीं हो सकती है जी, वो है सभी जातियों को मिलकर हमें जो है भाजपा का हाथ मजबूत करना है, और इसमें सभी जाति उसके साथ है। क्षत्रिय समाज ने जो अभी कल खेड़ा में पंचायत हुई थी उसमें भी कुछ नाराजगी, उससे कितना सहमत है?
कुछ भाइयों को नाराजगी थी, परंतु जब हमारे बड़े योगी आदित्यनाथ जी राजधना आए और उन्होंने हमें समझाया तो उन सब की नाराजगी दूर हो जानी चाहिए और उनको जो है योगी आदित्यनाथ के हाथ मजबूत करने चाहिए। जाति की राजनीति से कितना सहमत है? जाति की राजनीति छोड़ी नहीं, वहाँ जो सभा हुई है कल उसमें मैं तो मानता हूँ जाति के हों, वे राजपूत है ही नहीं, वे समर्थन दे रहे, कहीं इकरा है कहीं पिकरा है, मोहंडो को समर्थन दे रहे, वे राजपूत कहाँ है? बात कर रहे हैं महापंचायत में छत्री नहीं तो कौन थे फिर? छत्री वो तो पता नहीं कौन कौन थे, मैं छत्री मानता नहीं। विरोध हो जाएगा बिरादरी में? हाँ बिरादरी में विरोध हो जाएगा, इतनी बड़ी बात नहीं, होने तो विरोध, विरोध से वे विरोध कर रहे हैं, अंतर कर रहे हैं। नाम बता दो। संगीत सोम खुलेआम नाम क्या है? मेरा सोमपाल सिंह। कहाँ से? भमोरी से। भमोरी से? और उस पंचायत का हम खंडन करते हैं। पंचायत नहीं थी वो तो महापंचायत, महापंचायत का खंडन करते हैं हम। कितने सहमत हो? हम नहीं मानते। हाँ जी, महापंचायत में बिरादरी की बात हुई, आज क्या निर्णय लिया गया, कौन सी बात पर चलोगे? ये जो आज निर्णय लिया गया वो सही लिया गया, इसमें सभी बिरादरी के आदमी, मैं भी गुजर हूँ, गुजर बिरादरी से हूँ। तो महापंचायत में युवा भी थे, आपने तो निर्णय ले लिया होगा क्योंकि यहाँ आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस साइड आ गए हैं, तो जो नौजवान तबका है उसको कैसे समझाएंगे? उसे हम अपने को आप समझाओगे, मारे वो तो मारे हाथ में, जवान तबका कहाँ जाएगा मारे तबकल। तो इस तरह से क्षत्रिय समाज में कह सकते हैं कि राजधना में सीएम योगी आदित्यनाथ की सभा के बाद दोनों तरफ को विचार बन रहे हैं, कुछ जिम्मेदार उधर भी थे तो काफी जिम्मेदार आज यहाँ भी पंचायत में पहुंचे, क्योंकि पंचायत भाजपा के समर्थन में थी तो भाजपा के जिला अध्यक्ष शिव कुमार राणा को भी यहाँ बुलाया गया था, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा और समाज के लोगों का पक्ष जाना, थोड़ी उनकी भी उनके भी विचार जानेंगे। जी अध्यक्ष जी, मैं जिला अध्यक्ष की हैसियत से नहीं, मैं यहाँ बचपन से यहाँ आता रहा, आनंद जी हमारे संरक्षक हैं, तो मैं यहाँ अपने परिवार में आया, परिवार की हैसियत से। पंचायत में क्या कुछ विचार हुआ है? भारत, ये जो हमारा पूरा राजपूत समाज है, जब भारतीय जनता पार्टी को कम सीटें मिलती थी तब भी पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ था, भारतीय जनता पार्टी आज हमारा पूरा समाज आज नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार जिस तरह से प्रधानमंत्री बनाने का मन हमारे पूज्य संत योगी आदित्यनाथ जी और राजनाथ सिंह जी ये निर्णय कर चुके हैं कि वे पूरे देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, तो आज जो हमारी पूरी चौबीसी है ये योगी जी, आदरणीय योगी जी के आने के बाद पूरी चौबीसी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और ये पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ये तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाकर सुरक्षित हाथों में सौंपना चाहता है। अध्यक्ष जी की बात से कितना सहमत है? वोट किसको जाएगी? मोदी जी को जाएगी, पार्टी को जाएगी, प्रत्याशी को जाएगी? भाई मेन मकसद तो मेरी बात सुनो, वोट तो ऐसी चीज है इसे हम सब गिरेंगे, पर हमारा सबका मेन मकसद जो है इस देश में प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहते हैं। और एक बात हमें बड़ी अफसोच की हुई जो हमने आके यहाँ देखी, बड़ा रुक्का पड़ रहा, जहां भी सुना है जी इस चौराहे पे जहां भी खड़े हों, नुको भाई ठाकुर समाज नाराज है, पर मैं नु कहूं जाट समाज में भी जिसका उम्मीदवार बता रहे उसमें भी इतना उत्साह नहीं जितना ठाकुर समाज में है। ये तो बड़े बड़े मतलब बड़ी खुशी की बात है कि आज हमें दो दिन से इस क्षेत्र में ही घूम रहे और हमने यो देखा कि भाई 2014 में एक चुनाव ऐसा हुआ था जो देश में नहीं बल्कि संसार में एक उदाहरण था, लेकिन आज का इन दो चार दिनों से माहौल देखते हमारा खुद दिल यो मान रहा कि यो चुनाव तो 14 से भी बेहतर हो। इतनी सदी हुई बात बोली है, नाम और परिचय तो दे दो। मेरा नाम उधम सिंह मंत्री है और हमारा भारतीय किसान यूनियन है राजनीतिक है संगठन, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर राजेश चौहान है, उसका मैं राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूं और मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा मेरा गांव है, दलपत का मेरा। पिछले कुछ दिनों में तीन महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ की सभा, उसके बाद खेड़ा में महापंचायत, उसके ठीक अगले दिन भामोरी गाँव में पंचायत होती है, भाजपा को वोट देने की बात कही जाती है, क्षत्रिय समाज की ही ये पंचायत है। अब देखना यह है कि चुनाव में ऊंट किस करवट बैठता है। अब तक के लिए इतना ही, मैदानी संचारी जनवाणी न्यूज सरधना। रणपाल प्रधान लोहिया से। लोहिया से आए हैं जी? सरधना विधानसभा भामोरी में पंचायत है, लोहिया से चल के आए हैं जी। आने की वजह ये है कि ये जो जातिगत पंचायत हो रही है, जब तक हम लोग जाति में बटेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा सीधा फंडा है ये जातिवाद में बांटने का जो काम है, ये विदेशों में जो लोग बैठे हैं जो फंडिंग कर रहे हैं,
मोदी जी को कमजोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह हमारी वो नहीं है कि हम जाति में बट रहे हैं, हमें बांटा जा रहा है। जब तक हम हिंदू नहीं होने के, तब तक हिंदुत्व सनातन की जीत नहीं होने की। सीएम साहब ने भी कहा, ये भी बोल गए जी जी, तो आपके विचार? मैं प्रेम सिंह ब्लॉक प्रमुख मवाना, मवाना से आए हैं। हाँ जी, समाज के लिए। हाँ जी, तो हम गुजर समाज से हैं। अच्छा। हम अच्छी विचारधारा से जुड़ने वाले लोग हैं। हमारी विचारधारा तो यह है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी राजपूत समाज से आए, जब उनका निर्णय स्वीकार यहाँ मान्य हुआ, तो हम लोग यहाँ आए जुड़ने। जो कुछ चंद लोग हैं उन अरबे उनके विपरीत फैसला ले रहे, तो वे तो निंदा, राष्ट्र विरोधी ताकत है। आज की पंचायत से कितना सहमत हो? हम बड़े अति सुंदर खुश हैं। क्या पंचायत में निर्णय लिया? बहुत सदे हुए शब्द। अच्छा, निर्णय जो लिया गया जी, विक्रम प्रधान गंदुपुर मोहना ब्लॉक। मैं पहले से ही राजनीति में इधर घूमता रहा। 24 में आनंद जो प्रधान जी हैं ये भमूरी के, इनके पास हम पहले भी आए, तो आज हमें पता चला SSA मीटिंग है, परसों भी, कल मीटिंग हुई थी खेड़ा में। तो अब जो जातिवाद की बात थी, हम भी सोच रहे थे भाई 24 में क्या है, हमें पता चला, हम भी यहाँ आए। हमें बड़ी खुशी हुई कि यहाँ 24 में BJP की राय है, मोदी योगी की दोनों, सब लोग ये समर्थन कर रहे, हमारा भी उनके साथ। हाँ जी, हाँ जी, लो जी, तुम भी बताओ। मैं हूँ सोहन सिंह राजकुमार कश्यप, कश्यप समाज से। अच्छा, पंचायत की बात से कितना सहमत हूँ? पंचायत की समाज से बिल्कुल सहमत हूँ जी मैं, ठीक है। मोदी 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 मोदी, जाति की राजनीति होनी चाहिए कि नहीं? नहीं होनी चाहिए। तो आज के निर्णय के साथ हो कि कल के निर्णय? आज के निर्णय के साथ है। कहाँ जाएगी? फूल पे जाएंगे सब जी। आज भमोरी गांव में 24 की जो पंचायत हुई आनंद कुमार जी के यहाँ, इस पंचायत में गांव के सभी सम्मानित प्रधान और जिला पंचायत के सदस्य थे, जो भी सम्मानित व्यक्ति थे, हर गांव से आए हुए थे। और यहाँ जो एक गलत मैसेज जा रहा था कि राजपूत समाज नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, उस भ्रम को दूर करने के लिए आज राजपूत समाज ने एक फैसला लिया है कि तमाम राजपूत 90% वोट भारतीय जनता पार्टी और संजीव बालियान जी को दी जाएंगी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत करने के लिए ये 90% वोट राजपूत जाएगी। जो भ्रमित किया जा रहा था, वो भ्रम दूर करने के लिए ये पंचायत आज बुलाई गई है जी। पंचायत में क्या निर्णय लिया गया? भाई बहुत बड़ी पंचायत हुई और सबने यही निर्णय लिया, उनको फूल पे वोट देनी है और सबको एक नाके में गुली करना है। हमारे साथ जिटकरी गांव के पूर्व प्रधान भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि पंचायत में क्या निर्णय लिया है और आगे की रणनीति क्या रहेगी। जी प्रधान जी। हाँ जी, मेरा नाम अशोक सिरोही, गांव जिटकरी, गांव का पूर्व प्रधान हूँ मैं। सलावा पंचायत में भी हम रहे और कपसाड़ में भी रहे, भंभौरी में रहे, सभी का सर्वसम्मति से निर्णय के हम भाजपा को नहीं छोड़ेंगे। जो इन्होंने मुख्यमंत्री का वो करा वहाँ पे, उसके प्रति भी लोगों में बहुत रोष था, विरोध किया, बोले नहीं, उसका भी रोष था। और सब जो है, सबने बहुमत से तय किया कि हरा बच्चा बच्चा वोट भाजपा को देगा। विरोध कितना हद तक जायज है? नहीं, उस टाइम तो देखो नाजायज था, उस टाइम विरोध नहीं करना चाहिए था, वो उनका बहुत गलत था और इस बात का सारे समाज में रोष है।